सबसे पहले ना हमने एक कप दही लेना है, एक कटोरी दही, जो नॉर्मल सब्जी वाली कटोरी होती है ना वो वाली, उसमें मैं डाल रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहे तो तीखी वाली मिर्च भी यूज कर सकते हैं, धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर डेवलप होता है जब हम काला नमक ऐड करते हैं, थोड़ी सी हल्दी और ये बेसन। जी हाँ, क्योंकि हमने एक सब्जी को एक टेक्सचर देना है, एक बॉडी देनी है, इसीलिए। अब देखिए इसमें जैसे मैंने आपको कहा ना, प्याज है ना, टमाटर है ना, लहसुन है, तो सब्जी में फ्लेवर किन से आएगा, ये मसालों से आएगा। अब थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं ताकि ये थोड़ा लिक्विड हो जाए, क्योंकि दही थोड़ा थिक हो गया है, और अच्छे से ना हमने इसको फेंट लेना है। देखिए इस तरह सब मसाले मिक्स हो गए हैं दही में, ये देखिए ये हमारा एक बटर तैयार हो गया। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड में, क्योंकि ये हमारी ग्रेवी बनाएगा। अब एक दूसरे पैन में मैंने सरसों का तेल लिया है, जिसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब गैस को ना बंद कर दो या लो फ्लेम कर दो। उसमें डालेंगे हम एक चम्मच बेसन। बेसन को हमने हल्की आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब तक बेसन अच्छे से भून नहीं जाता ना, तब तक हमने इसे चलाते रहना है। पैन बहुत गर्म है तो आप चाहे तो गैस ऑफ कर दीजिए। जब बेसन रोस्ट हो जाए तब इसमें मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, बड़े बेसिक मसाले हैं इसमें यूज होते हैं, जीरा, सब मसाले घर में बहुत आराम से मिल जाते हैं ना, थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी, क्योंकि ये ही मसाले एक बढ़िया सा फ्लेवर देने वाले हैं हमारी सब्जी को। अब देखिए बिना प्याज टमाटर लहसुन के सब्जी बनानी है ना, तो मसालों को थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा, बट बिलीव मी बहुत अमेजिंग सब्जी बनके तैयार होगी। देखिए सारे मसाले भुन गए हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा और काला नमक डाला है। अभी मैं वाइट सॉल्ट मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं करा है। काला नमक डालने से ना बड़ा अच्छा एक फ्लेवर डेवलप होता है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाले थोड़े पफ अप हो जाते हैं और अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। अब इसमें मैंने ये क्यूब करे हुए पनीर डाले हैं। ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका था, तो इसमें हम पनीर के क्यूब्स इस तरह से डालेंगे और अच्छे से ना मसाले के साथ पका लेंगे। जब आप देखोगे प्रॉपर इन मसालों की कोटिंग हो गई है पनीर के ऊपर, तब तक ये देखिए अच्छे से चिपक गए ना मसाले इसके ऊपर, ये देखिए, क्योंकि इसमें बेसन भी था तो बेसन उसके ऊपर एक कोट कर देते हैं। ये हमारा पनीर का बैटर, जो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम बस ढक के साइड में रख देंगे। पैन बहुत गर्म है, आराम से कुक होता रहेगा। अब दूसरे पैन में हम लेंगे देसी घी। जी हाँ, देसी घी से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे, इसलिए देसी घी ही यूज कीजिएगा। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए इसमें डालिए थोड़ा सा जीरा, आप रोस्टेड जीरा यूज कर लो बट मैंने प्लेन ही डाला है, थोड़ी सी हींग एक बढ़िया सी खुशबू के लिए, बढ़िया से फ्लेवर के लिए। लीजिए इसे भी हम लो फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं, देखिए ताकि जीरा कुछ भी जलना नहीं चाहिए। करी पत्ता बड़ा अमेजिंग फ्लेवर आता है, बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है इन करी पत्ते का। अब ये जो दही का बैटर हमने तैयार करके साइड में रखा हुआ था ना, हम वो लेंगे। अब ये डालने से पहले गैस को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फुल फ्लेम पे या बहुत हाई पावर पे आप डालेंगे ना दही को, तो दही के फटने का डर रहता है। इसलिए कभी भी सब्जी में दही या दूध डाल रहे हो ना, तो फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही डालिए। अब इसे आपको लगातार चलाते रहना है, इस दही के बैटर को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दही है फटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप इसको चलाते जाइए ताकि ये इक्वली कुक भी होगा और टेम्परेचर जो है ना गैस का वो नॉर्मल रहेगा। लो फ्लेम पर इसे हमने तब तक पकाना है जब तक इसका इस तरह से जो घी है वो अलग नहीं हो जाता। ये देख रहे हैं ना ऊपर साइड्स में कैसे घी ऊपर आ चुका है, ये निशानी है इसकी कि हमारा जो दही है वो अच्छे से पक चुका है। देखिए ये हमारी बढ़िया सी ग्रेवी तैयार हो गई है, जिसमें ना लहसुन है, ना प्याज है, ना टमाटर है। अब जो हमने पनीर को तैयार करके साइड में रखा हुआ था ना, अब हमने वो पनीर के क्यूब्स इसमें डाल देने हैं, जो मसाले वाला पनीर था। ये देखिए अब सारा मसाला जो उस पैन पे भी लगा ना, हम वो भी रिलीज कर लेते हैं अलग से, क्योंकि बहुत फ्लेवर है उस मसाले में। अब बस हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमने सेट कर लेना है, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए और जितनी हमें क्वांटिटी ग्रेवी की करना चाहते हैं ना, वो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे एडजस्ट कर लीजिए। अब देखेंगे इसकी ग्रेवी का टेक्सचर, इतना क्रीमी टेक्सचर है ना कि लगेगा इसमें पता नहीं कितने सारे अपने टमाटर या प्याज डाल के इसको बहुत सारा मसाला यूज करा होगा। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो भाई हर सब्जी की जान है,
थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे ऊपर एक बढ़िया से अरोमा के लिए और एक फाइनल टच के लिए। तो बस अब इसको मिक्स करने के बाद लिड लगाकर 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए लो फ्लेम पर और हमारी सब्जी जो है वो बनकर बस तैयार हो जाएगी। देखिए अब मैं 2 मिनट बाद मैंने ओपन कर रही हूँ मैं ये लिड, पहले तो खुलते सार इतनी अच्छी खुशबू आई है ना, और आप ये ग्रेवी का कलर देखिए, ग्रेवी का क्रीमी टेक्सचर देखिए, और कौन कहेगा इसमें प्याज टमाटर नहीं है, लहसुन नहीं है, उन सबके बिना हमारी एक इतनी बढ़िया हाई रिच हमारी सब्जी मेन कोर्स डिश तैयार हो गई है। तो है ना कितनी सिंपल, जरूरी नहीं है टमाटर महंगे हैं नहीं है घर में तो क्या करें सब्जी नहीं बन पाएगी, ये देखिए बनेगी ना इस तरह से सब्जी, सब्जी हो गई तैयार। चलिए अब सर्विंग स्टार्ट करते हैं। आप ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, ग्रेवी की थिकनेस या आपको कितनी रनी चाहिए ये आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए तो आप अपनी ग्रेवी एडजस्ट कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए इसे बिना लहसुन प्याज और टमाटर के जो हमने इतनी बढ़िया रिच सब्जी तैयार करी है पनीर की। तो आप होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी पसंद आई और आपने ये कब बनाई है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन, इन्जॉय कीजिए और कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।